गुलाब जामुन इंडिया का सबसे मशहूर मीठा डिश है। दूध को देर तक उबालकर और गाढ़ा करके हमने स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाया। गुलाब जामुन बनाने में हमने 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया। अब एक चौड़े पैन में दूध को उबालन शुरू करते हैं। दूध को जलने और उसका रंग बदलने से बचाने के लिए उसे लगातार हिलाते रहें। गाढ़ा होने तक हिलाते रहें। अब गुलाब जामुन के लिए दूध कोवा तैयार है। इसे ऐसे ही फैलाएं और ठंडा होने के लिए रख दें। दो लीटर दूध से हमें 350 ग्राम कोवा मिला। सौ ग्राम चीनी और पानी डालकर अच्छी तरह उबालें। जब शीरा अच्छे से उबलने लगे तो इसमें 1 चम्मच दूध डाल दीजिए। धूल अलग होकर बाहर निकल आएगा। 1 चम्मच का उपयोग करके धूल हटा दें। इसके बाद शीरा में 5 कुचली हुई इलायची डालें। शीरा को 5 मिनट तक अच्छी तरह उबालने के बाद या जब यह चिपचिपा हो जाए तो आंच से उतार लें। अब दूध के कोवे में 100 ग्राम मैदा मिलाकर गूंथना शुरू करते हैं। इसके बाद पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा घोलें, फिर इसे आटे में मिलाएं और मिश्रण को मजबूती से गूंथ लें। साथ ही इसमें 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से गूंथ लीजिए। अब आटे को गोल आकार में बना लीजिए। अब गुलाब जामुन को तेल में मध्यम आंच पर तलना शुरू करें। जब इसका रंग भूरा हो जाए तो इसे निकालकर शीरा में डुबो दें। हमने सारे गुलाब जामुन तलकर शीरा में मिला दिए हैं। 2 घंटे तक शीरा में अच्छी तरह भीगने के बाद गुलाब जामुन खाने के लिए तैयार है। यह गुलाब जामुन पूरी तरह से दूध से बना है और बहुत स्वादिष्ट है। डॉट
गुलाब जामुन बिल्कुल रुई की तरह मुलायम और स्वादिष्ट था।